हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वी लव फॉर्च्यून डबल वन डबल वन कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस सो आज की जो वीडियो है वो एक पिककार रीडिंग होने वाली है आज का टॉपिक ये है आपके जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है उनके मैसेजेस क्या हैं तो आज आपको कोई एक डेक चूज करना ये है डेक नंबर वन और ये है डेक नंबर टू ठीक है जो भी आपको इंट्यूटिवली पसंद आए अच्छा लगे या अट्रैक्ट हो वही आप चूज कीजिए ठीक है तो यह है डेक वन डेक टू सो so, एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो गाइस ओके सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग हेलो पायल वन या फिर इस डेक को चूज किया है तो देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है वैसे मैं बता दूं गाइस आप लोगों के लिए इनर वर्क से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है मेरे सेकंड चैनल पर जो कि है मिस्टर सिजम बाई पूर्वा सेकेंड चैनल की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जरूर चेक करें और इनर वर्क की वीडियो जरूर देखें इससे आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है इनर वर्क कैसे करना है तो मेरे सेकेंड चैनल पर विजिट करके इनर वर्क की वीडियो जरूर देखिए देखिएगा ओके गाई? सो तो अब चलिए बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है तो इससे में पूरी तरीके से एनर्जी के बारे में पता चलेगा ठीक है क्योंकि ये जो है और अकल डेक है तो हम देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स नंबर फोर्टी फोर गॉडेस ऑफ द मून नंबर फिफ्टी टू हमारे पास है केयरिंग कनेक्शन नंबर फोर्टीन ओके और भी कार्ड्स देखेंगे तो यहां पर है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस ओके ब्लॉसमिंग अबंडेंस एयर साइन है हमारे पास एक्वेरियस लिब्र जमनाए और भी देख लेते हैं कार्ड्स ओके सो हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इन रिवर्स नंबर फिफ्टी हमारे पास है लियो और भी कार्ड्स हम देख लेंगे हमें बस एक और कार्ड चाहिए प्लीज यूनिवर्स हमारे पास है सेवन चक्रा आर्थेंजल यूरियल इन रिवर्स नंबर फोर्टी वन ओके सो यहाँ पर है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जमनाई वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइश फायर साइन में मिस हमारे पास है लियो ओके बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पेशेंस सो हमारे पास और साइन भी है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न ओके नंबर सिक्सटीन तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ तो सबसे पहला जो मुझे चीज़ ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में है ठीक है हो सकता है उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है ठीक है उनके अंदर वो पावर इस वक्त महसूस नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर एक वो जज्बा नहीं आ रहा वो फीलिंग नहीं आ रही है कि वो अपने लिए खुद किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते हैं हो सकता है कि इस पर्सन को अभी लगता है अभी लग रहा है कि उनको जो है आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए उनको इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहिए लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो आप दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है ये कहीं ना कहीं करंट एनर्जी है कि इस पर्सन को आ, कोई होप्स नजर नहीं आ रहे हैं हालांकि ये जो पर्सन है अभी बहुत ज्यादा पेशेंट है ये इंसान ठीक है अभी ये रुके हुए हैं ओके एंड सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं या फिर अपने अंदर के बदलाव का इंतजार कर रहे हैं ठीक है आ, लेकिन जो है इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे स्टैंड ले यानी इनके अंदर यही डर इनको सता रही है कि ये जो है शायद आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे अगर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपने इनको कमिटमेंट के लिए बोला था किसी चीज़ के लिए बोला था उसके लिए हो सकता है इन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो उस चीज़ पर इंसान जो है पछता रहे हैं सैड है फियर में है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कुछ भी हिम्मत नहीं है कि ये आपके लिए कुछ कर सके ठीक है तो करेंटली मुझे ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है ऑल्सो मुझे आप पर देख रहे थे केयरिंग कनेक्शन एंड सेवन चक्र रिवर्स कि ये जो इंसान है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी केयर बहुत करते हैं ये इंसान ठीक है आपसे ट्रू लव ही इंसान करते हैं आपके बारे में सोचते रहते हैं करंटली भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं लेकिन इनको जो है क्लैरिटी नजर नहीं आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सपने देखे हुए थे पास्ट में भी प्रेजेंट में भी इंसान देख रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर होगा आप लोग मिलोगे टाइम स्पेंड करोगे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों की लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी चीज़ें होंगी ठीक है तो ये पूरी तरीके से क्लियर एक थॉट में नहीं रह पा रहे हैं बिकॉज एक बार ये आपको मिस कर रहे हैं आपके साथ होपफुल भी हैं लेकिन फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आप आपके लिए सारी चीज़ों से लड़ पाएं या सारी चीज़ों को पीछे रखकर आपके तरफ आ पाए विदमेन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स टू ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे यह दिख रहा है कि प्यार इनके दिल में बहुत है आपके लिए लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप जो है उनसे प्यार नहीं करते हो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मेल फीमेल दोनों के लिए है और अब जो ये इंसान है आपका प्यार वापस पाना चाहते हैं ठीक है थीके? लेकिन जो है खुद स्टेप लेने से डर रहे हैं क्योंकि इनके माइंड में जो है बहुत सारी चीज़ें इनको सता रही है इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है कि ये जो कनेक्शन है वो उनके हाथ में है अगर वो थोड़ा सा भी ट्राई करते हैं तो चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी तो इस इंसान के माइंड में चीज़ें तो हैं कि इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए इनको अपने लाइफ में जो है एक बेटरमेंट चाहिए हो सकता है इनको सारी तरीके से बेटरमेंट चाहिए और आप भी चाहिए उनके लाइफ में लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्यार है कहीं ना कहीं आ, वो चीज़ इनको नहीं मिल पा रहा है और शायद नहीं मिल पाएगा आगे भी शायद उन्होंने आ, आप जैसे इंसान को खो दिया है एंड शायद अब आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आए इनके साथ कुछ चीजें आगे बढ़े तो इस पर्सन की जो है थिंकिंग करेंटली मुझे ऐसी नजर आ रही है ओके तो मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपको एज एन अबंडेंट पर्सनैलिटी देखते हैं बट इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने जितना इनको प्यार दिया उतना ये प्यार उतना ये सपोर्ट उतना ये स्टैंड आपके लिए शायद ना ले पाए फ्यूचर में ठीक है तो प्यार तो बहुत है मिस भी बहुत कर रहे हैं लेकिन इनको जो है बहुत ज्यादा डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं ठीक है मेंटल क्लैरिटी इनकी नहीं है हो सकता है कि इनका जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक्ड है ठीक है सोचने समझने की क्षमता इनके अंदर नहीं है अगर सोच भी लेते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं ऐसा आपको भी शायद फील हो सकता है कि आपने इतना इमोशंस इन्वेस्ट किया आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया लेकिन जब वक्त आया जब मौका आया इस पर्सन का कुछ करने का तब ये पर्सन जो है पूरी तरीके से पीछे हट गए और शायद आप किसी किसी को ऐसा लग भी सकता है कि आपके जो पर्सन है वो लूजर की तरह है ठीक है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों में से किसी किसी को ऐसा लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक गुस्से में हो इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन ने आपके प्यार को रियलाइज़ नहीं किया आपके साथ इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी इन्होंने जो है कुछ सॉलिड कमिटमेंट कुछ सॉलिड प्रपोजल कुछ सॉलिड क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं दी है इस रिश्ते को लेकर क्योंकि ये इंसान जो है अभी आपके साथ रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते हैं आपके साथ कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ये जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों का फ्यूचर है भी या नहीं और अगर फ्यूचर है तो शायद उसके लिए ये इंसान कभी स्टेप ना ले पाए बिकॉज किसी किसी के लिए हो सकता है कि मदर इशूज़ हो ठीक है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे आपने जितना उनको दिया वो उतना आपको इन रिटर्न नहीं दे पाएंगे ठीक है और इनको जो है बहुत ज़्यादा ये इंसान प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके बारे में सोचने लग जाते हैं और इतना ज़्यादा ये सोचने लग जाते हैं कि इतने ज़्यादा थॉट्स में इंसान डूब जाते हैं कि इनको समझ नहीं आता है कि क्या करें ये बीच में फंसे रह जाते हैं ना ये इधर जा पाते हैं ना उधर जा पाते हैं ठीक है ना ये अपना काम को कर पाते हैं ना ही आपके तरफ आ पाते हैं तो एक बीच में रुक जाते हैं इंसान बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको आपके तरफ बढ़ना है अगर इनको आपके साथ जो है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो इनको जो है बहुत ज़्यादा करेज एंड स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और इनको ऐसा लगता है उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि ये इंसान जो है सारी चीज़ों को कॉपअप कर पाए ठीक है तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो इंसान है वो किसी तरह का एक्शन स्टेप लेने से डरते हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें हालाँकि आपको मिस कर रहे हैं आपके साथ वो चीज़ों को फिर से वो ठीक करना चाहते हैं लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी हुआ या फिर इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये ये चीज़ें तो मुझे चाहिए ये चीज़ों को तो मुझे ठीक करना है लेकिन कैसे हाओ और शायद मैं नहीं कर पाऊंगा जिसकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आता है क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अबंडेंट आपको देखते हैं एंड हो सकता है ये अपने लाइफ में भी स्ट्रगल करते हैं तो इनको जो है एक अल्टीमेट आंसर नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ का से मुझे दिख रहा है कि ये जो है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस अभी भी बनी हुई हैं आपके दिल में भी उनके दिल में भी और ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिस वक्त उनके पास पैसे होंगे वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा ताकि जो है वो आ, दूसरों के खिलाफ भी आपको लेकर कोई डिसीजन ले सके तो उस चीज़ का हो सकता है इंसान करेंटली वेट कर रहे हैं ओके सो चलिए अब हम उनके पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं चैनल मैसेजेस और क्या है हो सकता है अभी करियर पर बहुत फोकस है इनका ठीक है तो ये जो है अपने इमोशंस को अपने प्यार को आ, सारे सा, चीज़ों को जो है साइड में रख रहे हैं ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बारे में ये सोचते नहीं है सोचते बहुत ज्यादा हैं तो सबसे पहला है हमारे पास क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू तो ये इंसान हो सकता है कि आप लोग कभी नहीं मिले हो या बहुत टाइम से नहीं मिले हो तो इंसान आपसे आपसे मिलना चाह रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड या करना चाहते हैं ठीक है विजुअलाइज़ करते हैं ये इंसान आपको लेकर बहुत तरह तरह की चीज़ें फिर है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता तुम हो तो सब वरना कुछ नहीं देखे यहाँ पे ट्रिपल फोर आया फोर 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 थ्री 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 ठीक है बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं एनी वे पर भी है ठीक है फोर्टीन फोर्टी वन फोर्टीन फोटी वन ओके देख लीजिए रिफ्लेक्टिंग नंबर्स भी नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो ये है कहीं ना कहीं ठीक है फाइव प्लस टू सेवन सिक्स प्लस वन सेवन वाह सो ये पर्सन जो हैं आपके बगैर कहीं पे ये फोकस नहीं रख पाते हैं करेंटली भी उनकी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है कि इनको बार बार यही चीज़ें सताती रहती है कि क्यों ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं क्या खराबी है ठीक है एसेट्रा सो है आई लव यू ट्रूली एंड वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन तो डेफिनेटली ये जो इंसान आपके तरफ मूवमेंट्स लेना चाहते हैं आपसे सही में प्यार करते हैं फिर लेट स्टार्ट अगेन फॉर गेटिंग द पास न्यूर्स न्यू एक्सपीरियंस तो एक नई शुरुआत ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उस शुरुआत को ये करें पास की चीज़ों को ये भुलाना चाहते हैं मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए तो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके लिए प्रे करते हैं या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेकर प्रे करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं फिर आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे जो है शादी करना चाहते हैं ठीक है किसी किसी के लिए हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो फिर आई एम सो बर्डन प्लीज होल्ड माय बैक योर बेबी लव्स यू तो ये पर्सन हो सकता है किसी तरह के बर्डन में फंसे हुए हैं एंड ये पर्सन आपका सपोर्ट चाहते हैं एंड ये आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन किसी एक चीज़ में जो है ये अटके हुए हैं स्टग्ड है ओके सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोग को पसंद आएगा पसंद आई रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज तब तक के लिए बाय 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 हेलो पाइल नंबर टू अगर आपने पाइल नंबर टू या फिर इस डेक को चूज़ किया है देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए सो so गाइस आप लोगों के लिए मैंने इनर वर्क पर वीडियो बनाई है मेरे सेकंड चैनल पे जिसका नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए एंड उस वीडियो को देखें उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि इनर वर्क जो है वो कैसे करना है ओके एंड सेकेंड चैनल की डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ज़रूर चेक करें गाइज और ज़रूर विजिट कीजिएगा ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है सो so, चलिए आप देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए पास हमारे पास है किंग ऑफ स्वर्ट्स सिक्स ऑफ कप्स साइंस हमारे पास है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा ब्रजमेनाए वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस एट ऑफ फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस और भी कांच देख लेते हैं पास हमारे पास है जजमेंट एट ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम द से हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स ओके सो साइंस है यहाँ पर एयर साइंस फायर साइन वाटर साइन यस yes, ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर ज़्यादा नजर आ रहे हैं बट साइंस पर आप लोग मत जाइएगा ओके okay, एनर्जीज पे जाइएगा सो तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए देख लेते हैं सो so, सबसे पहला चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं करना चाह रहे हैं हो सकता है आप लोगों की बातचीत अभी हुई है आप लोगों ने अभी कन्वर्सेशन किया हुआ है ठीक है और उसके बाद आप लोग वीडियोस को देख रहे हो या फिर हो सकता है बहुत जो इस पर्सन की कम्युनिकेशन आपको मिले इस पर्सन की टेक्स्ट कॉल आपको मिले या फिर ये इंसान जो है डेफिनेटली फील कर रहे हैं इस वक्त कि काश ये आपसे बात कर पाते क्योंकि इनको इस वक्त बात करनी है इनका मन ऐसा हो रहा है कि इनको अभी आपसे बात करनी है इनको आपके साथ कम्युनिकेशन करना है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में इनको करना है एक एक लॉन्ग लॉन्ग कॉल और लॉन्ग टेक्स्ट ठीक है तो थोड़ा लंबे समय तक ये इंसान जो है सोच रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत लोगों की हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत हुई है इस पर्सन के साथ और थोड़ी सी लाइक कैजुअल तरीके से हुई है बहुत लंबे टाइम तक हुई है बट हो सकता है कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में हुआ है बट जो भी चीज़ें ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं ठीक है आ, ये फिर से आपके कॉन्टेक्ट में आना आने के बारे में सोच रहे हैं अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो बिल्कुल सेपरेटेड हो तो ये जो इंसान है वो आपको जो है फ्रेंडशिप ऑफर करना चाह रहे हैं या फिर वो चाह रहे हैं कि आपसे ये बात करें और चीज़ें आप दोनों के बीच में फिर से ठीक हों बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की री हो सकती है कि हो चुकी है या फिर रीयूनियन होने ही वाली है आप लोगों की अनब्लॉक ये सब सिचुएशन हो गया है अब आप लोगों की बातचीत हो रही है दो तीन दिन हो सकते हो गए हो सिक्स डेज हो सकते हो गए हो कि बातचीत आप लोगों की चल रही है और अब जो है चीज़ें ठीक होने लगी है पहले से बेहतर होने लगी अब आप दोनों के बीच ठीक है तो ये भी चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहे हैं आप आपके साथ चीज़ों को अभी करेंटली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ठीक है वो सारी पास्ट मेमोरीज को ये इंसान जो है रिकॉल कर रहे हैं और अब ये इंसान चाहते हैं कि इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है जो ये बार बार याद करते रहते हैं बार बार सोचते रहते हैं उस चीज़ को जो है ये रियलिटी में करें ओके okay, तो बहुत लोग ये तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी कनेक्शन शुरू हो चुकी है बातचीत चल रही है सब कुछ ठीक हो रहा है आपको भी होप्स आ रहे हैं आपके पर्सन को भी होप्स आ रहे हैं और जो लोग बिल्कुल नो no कांटेक्ट में हो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं पहले पहले की चीज़ों को याद कर रहे हैं उनको अब रियलाइज हो रहा है एंड अब ये जो इंसान चाह रहे हैं कि ये आपके तरफ आके आपको जजमेंट दे आपको जस्टिस दे एंड इनको यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है कि कुछ साइंस मिल रहे हो जिसकी वजह से इनको इंटरनली फील हो रहा है कि इनको जो है अब आपके तरफ अपने इमोशंस का इजहार करना चाहिए आपके तरफ जो है आपको बातचीत आपसे करना चाहिए जो ये आपसे दूर भाग रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे वो इनको नहीं करना चाहिए ठीक है तो इनको जो है आ, ये सब रियलाइज हो रहा है करेंटली मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ठीक है तो क्विक मूवमेंट तो इंसान लेना चाहते हैं विद द पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंसान है आ, आपके साथ अगर आप लोग बिल्कुल नो no कॉन्टेक्ट में हो और अगर बातचीत हो भी रही है तो भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस तो रखते है, तो है, तो हैं इमोशंस इनके तो अंदर बहुत हैं लेकिन थोड़े से मिच्योर हो सकते हैं जिसकी वजह से करंटली जो है थोड़ा स्टक भी फील कर रहे हैं ओवर थिंक भी कर रहे हैं कि अगर वो चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ाते हैं तो क्या वो मच्योर लेवल पर पूरी तरीके से बैलेंसड वे में चीज़ें आगे चल पाएंगी ठीक है या फिर अगर ये इंसान आपके तरफ आना आना चाहेंगे तो क्या आप उन्हें अपनाओगे तो डेफिनेटली ये जो इंसान है इमोशनली तो फील कर रहे हैं आपके लिए लेकिन थोड़े से स्टग भी हैं ठीक है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे प्रोसीड होंगी ओके okay? एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये सबसे पहले चाहते हैं कि फ्रेंडशिप की तरह चीज़ें स्टार्ट हो ठीक है तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके पास आना आएंगे ये ठीक है एकदम से और जो है आपके साथ आ, सबसे पहले तो कम्युनिकेट करेंगे किसी कु, चीज़ों को आ, शेयर करने के पहले ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ऐसी चल रही है कि ये जो इंसान है अभी आपसे बात करके सबसे पहले तो आपकी दिल की बातों को जानना चाहेंगे कि आप इनसे दूर गए थे या फिर आप अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गई थी तो आप कैसा फील करते हो अभी भी इस पर्सन के लिए ठीक है तो ये सबसे पहले तो जानना चाह रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी मुझे दिख रही है कि ओवर ओवर थिंकिंग इंसान कर रहे हैं करंटली ओके और करेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको रीच आउट करते हैं तो क्या आप ढंग से उन्हें रिस्पॉन्स दोगे ठीक है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत लोगों की आप लोगों की बातचीत चल रही है चीज़ें अच्छी चल रही है आपके पर्सन जो है धीरे धीरे इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए अब आप वो सोच रहे हैं कि चीजें अब ठीक हो सकती हैं बट फिर भी कहीं कही ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट है ठीक है और अभी जो है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो बिल्कुल भी तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं पहले की तरह चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और खुद जो है उसके लिए एफ़र्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ काक्स जो हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन की तो विश फुलफिलमेंट आप हो उनकी ये करेंटली विश है कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ और उसके लिए ये जो इंसान है एक्शन लेने के लिए भी रेडी है बट हो सकता है कि इंसान जो है कुछ कर नहीं रहे हैं अभी भी ठीक है तो आपका ऐसा लग सकता है कि ये इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स है तो कर नहीं रहे हैं तो ये करेंगे बहुत जल्द करेंगे किसी के लिए सिक्स डेज के अंदर किसी के लिए एट डेज के अंदर किसी के लिए सिक्स टू एट आवर्स के अंदर ठीक है ये इंसान करेंगे ये एक्शन लेंगे ये बस सोच ही रहे हैं इनको आ, चाहिए अब फुलफिलमेंट आपके साथ ओके एंड अब ये करेंटली सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे ठीक है तो बहुत लोग के लिए बहुत क्विकली ये पर्सन जो है आपकी तरफ आ जाएंगे और बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि सिक्स टू एट डेज में आए लेकिन बातचीत तो ये बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अगर अब तक ये पर्सन आपसे भाग रहे थे आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे आपको इग्नोर कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि इस पर्सन की करेंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है थोड़े से ये स्टक है थोड़े से ओवर में है थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में है कि आ, पता नहीं अगर इमोशंस अपने इजहार कर देते हैं अपने इमोशंस के बारे में तो आप उन्हें ट्रस्ट करोगे भी या नहीं क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते हो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और इस पर, इस पर्सन के दिल में भी कहीं कही ना कहीं अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ मौजूद हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग भी सकता है कि शायद आपके पास ऑप्शन हैं और पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एज डिफरेंस हो कुछ लोग हो सकता है सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होपफुल हो चुके हैं आपके कनेक्शन को लेकर उनको सब कुछ रिलइज़ हो चुका है कि आप दोनों के बीच की चीजें कितनी अच्छी थी और क्या क्या आप दोनों के बीच में हुआ था एंड स्टेप लेने की जरूरत है करेंटली तो ठीक है तो मुझे कहीं, कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है अभी तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की और भी मैसेजेस क्या हैं आपके लिए कि और भी चैनल मैसेजेस okay, देख लेते हैं ओके okay, तो सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू खाज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन तो ये पर्सन को जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ साइंस मिल सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है करंटली कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा अंदर से फील हुआ है जिन जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगा है कि ये कुछ तो गलत कर रहे हैं और इनको जो है स्टेप लेना चाहिए तो अभी आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं फिर है मैं तुमसे नाराज़ हूँ मुझे मनाओ तो किंग ऑफ वर्स की भी एनर्जी है तो हो सकता है किसी वजह से इंसान आपसे नाराज़ भी हो सकता है आपने उन उनके म्यूचुअल फ्रेंड से बातचीत की हो उनके रिलेटिव से बात की हो या फिर किसी एक दूसरे इंसान से आपने चैट वगैरह किया हो कॉल में बात की हो मिले हो जिसकी वजह से इंसान को पता चल चुका है नहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है थोड़े से गुस्से में भी हैं ठीक है तो, आ, किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको टेक्स्ट कॉल किया है आपने इग्नोर कर दिया है तो इसके वजह से भी कहीं कही ना कहीं ये पर्सन नाराज हो सकते हैं फिर है ये बेब यू आर सो अट्रैक्टिव आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको करेंटली स्टॉक वगैरह कर रहे हैं ठीक है सारी चीज़ों को पास्ट को याद कर रहे हैं आपके पिक्चर्स वगैरह हो सकते हैं देखते हों या फिर आपको विजुअलाइज कर रहे हैं ओके आ, फिर हमारे पास है लेट्स स्टार्ट अगेन फॉर गेटिंग द पास्ट न्यूस न्यू एक्सपीरियंसेस तो न्यू स्टार्ट तो ये डेफिनेटली चाहते हैं यहाँ पर दो दो बार आया है ये वाला मैसेज पायल वन में भी आया था ठीक है तो ये इंसान जो है एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे ये पास्ट को जो है खदेड़ना नहीं चाहते आप दोनों के रिश्ते में ठीक है तो ये जो भी वो हो सकता है कि अपोलॉजी मांगे बहुत जल्द और ये आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि आप जो हो पास्ट के इस इंसान को भूल कर इनको एक मौका दो और नई शुरुआत करो इनके साथ फिर है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस मेल फीमेल दोनों देख सकते हो तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि प्यार बहुत करते हैं आपसे लेकिन इस पर्सन को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि ये जो इंसान है थोड़े से इमिच्योर हैं इमोशनल लेवल पर और साथ में प्रैक्टिकल भी बहुत है तो इनको पसंद नहीं है कि ये एक्सप्रेस करे ठीक है चाहे ये गर्ल हो या बॉय हो uh, फिर हमारे पास आई वांट अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू अगेन वही मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं हम हो सकता है कि इन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया ये बहुत स्टक रह गए अब इनको जो है आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन करना है क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है ठीक है हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया तो उनके साथ इन रिटर्न हुआ जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है फिर आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ एंड आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एज वेल तो यहाँ पे एट ऑफ शॉट्स की एनर्जी है जिसकी वजह सकता है कि इंसान जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं थोड़े स्टक हैं अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंसान बहुत जल्द जो है अपने कन्फ्यूजन से निकल कर आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ओके okay, तो so कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि आ, आप लोग सोलमेट्स हो और यहाँ पर वन जीरो जीरो वन भी है तो मुझे लग रहा है की कि, किसी तरह के कंप्लीशन के साथ एक न्यू बिगनिंग्स होगी आप दोनों के बीच में ओके सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद है पसंद है रिजोनट हुई है तो प्लीज़ तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाय बाय टू